नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां हम करते हैं स्टॉक और निवेश की गहराई से चर्चा। आज हम बात करेंगे एक खास स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि अगले 4 महीनों में इसका क्या लक्ष्य हो सकता है। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है पूनावाला फिनोकैप लिमिटेड। वर्तमान में इसका मूल्य 400 रुपये है। सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टॉक का पिछले कुछ महीनों का प्रदर्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों का प्रदर्शन, स्टॉक पीछे के एक सप्ताह के अंदर 13% की तेजी दिखाई आई, परंतु एक महीने में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा। 3 महीने में 12% की गिरावट, वहीं 6 महीने में देखें तो लगभग 14% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है, 1 साल में 8.5%। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से बाय किया है उन्हें तो इस स्टॉक के अंदर एक लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु अगर हम पीछे के 2 साल की बात करें तो वहां पर स्टॉक के अंदर लगभग 46% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक अहम सपोर्ट लेवल है वो 383 रुपीज पर है। पहले इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज थी, स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं किया, नीचे में स्टॉक 345 रुपीज का एक बॉटम बना चुका है। इस प्राइस पर एक बॉटम बनने के बाद निचले लेवल पर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज थी अभी इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। जो ग्रीन कलर के नेक लाइन देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 380 रुपीज का, और ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 420 रुपीज। और अगर आप इस स्टॉक को आगे के 3 से 4 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ऊपर के 500 के एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक नीचे में 343 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग बना लेता है, उस सिचुएशन में स्टॉक नीचे में 345 रुपीज के प्राइस को भी रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।